हेलो दोस्तों, लिमरा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद यासीन। अभी हम ट्रॉम्बे, जो चीता किम ट्रॉम्बे का इलाका पड़ता है, जो मछली पूरा का पूरा जो है एक मछली बाजार का हिस्सा पड़ता है, यहां पर जो है जो गांव का कॉर्नर का हिस्सा है वहां पर मछली पकड़ी जाती है, हम उसी गाँव के हिस्से के अंदर आज मौजूद है। हम कुछ लोगों से यहाँ पर मिलने आए हैं। पता चला है कि यहाँ पर बहुत सारे नुकसान हुए कोरोना वायरस की वजह से। आइए हम यहाँ के चेयरमैन साहब, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या नुकसान उन यहाँ पर हुए हैं। हाय सर जी, नमस्कार। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम चंद्रकांत वैती है, मैं तुर्बे मच्छी मार अध्यक्ष का अध्यक्ष हूँ। सर, यहाँ पे आप लोग को जब से कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तब से आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोग के सामने नज़र आए? पहली बात कि कोरोना के वजह से सब मच्छीमारी व्यवहार गवर्नमेंट ने ठप कर दिया, और ठप होने से हम लोग को बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। हमारे गांव का जो पूरा लोकेलिटी है वो 70% फिशिंग का ऊपर डिपेंड है। हमारे गांव में जो बोट है वो बड़ा वाला जो ट्रॉलर बोलते हैं वो 25 नंबर है, और छोटा जो बोट है वो करीबन 150 तक बोट है। तो उसके ऊपर दो दो आदमी भी काम करेगा तो 300 सिर्फ मछुआरे हो गया। उसके बाद में मच्छी सुखाने के लिए जो औरती लोग है, दूसरे मजदूर लोग है, ऐसा कम से कम 60-70 लोग वो है, और पूरा देखेगा तो 700 तक महिलाएं, ये सब पकड़ के 700 महिलाएं हमारी ये मच्छी के फील्ड में है। तो उनका रोजी रोटी बंद हुआ क्योंकि उसके ऊपर ही हम लोग का डिपेंड रहता है। तो ये मच्छी मारी रुकने से हो गया, तो हम लोग ने हमारा प्रॉब्लम जो है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाई, तो गवर्नमेंट ने कुछ दिनों के बाद हमको मच्छी के लिए अलाउ कर दिया। मगर सिर्फ अलाउ होने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उसका, क्योंकि मच्छी करने के लिए हमको मेन डीजल और बर्फ लगती है, उसके लिए कुछ भी प्रोविजन नहीं, ना मार्केट का प्रोविजन है, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का ये हमको मालूम है होना चाहिए, मगर मच्छी का व्यवहार में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल बाब है। और हम लोग के वो उसमें बहुत ट्राई कर रहे हैं कि आगे जो हमारा ऐसा धंधा चलेगा उसमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोग उसमें से करने के थे। और गवर्नमेंट ने हमको सिर्फ पेपर वर्क हमारे पास से ले लिया कि कुछ, मगर अभी तक हमको कुछ मिला नहीं। हम लोग ने पेपर सब बना के सबमिट किया है, मगर अभी तक गवर्नमेंट से कुछ भी मिला नहीं। सर जी, अभी हम देख सकते हैं इन्होंने सारी बातें बताई हमारे सामने कि किस तरीके से जो है गवर्नमेंट से भी इन्होंने हेल्प मांगी है, इन्होंने पेपर पहुँचाया है, वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आइए और एक साहब है हमारे पास, उनसे भी जानते हैं कि ऐसे हालात के अंदर क्या और कुछ तकलीफ है आप लोगों के सामने। सर जी, पहले हम आपका नाम जानना चाहते। मेरा नाम मनोहर कोहली, मैं माजी अध्यक्ष हूँ। यहाँ ऐसे ये गांव का इतिहास, यहाँ पहले जब भी प्लेग आया था, प्लेग आने के लिए हमारा बुजुर्ग लोगों ने बोला था, प्लेग जब भी आया तो हमारा सब गाँव वाला बीएचसी के अंदर रहता था, वहाँ से उनको भगा के यहाँ लाया। जब से यहाँ का नाम जो हिंदुस्तान का जो बखर है उसमें मेंटेन है, उसका नाम ही मेंशन किया है कि ये कोलीवाड़ा यानी कि स्टार्ट से इधर है। इसके बाद बीआरसी आया, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, उसके बावजूद हमारा लोगों के ऊपर किसी कंपनी ने ध्यान दिया ना सीएसआर में से हमको कुछ मिलता है। एक्चुअली जो भी बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल जितना भी कंपनीज है उनका 2% भी सीएसआर पकड़ेगा तो हमारा गांव थोड़ा डेवलप हो जाएगा, लेकिन हमारा गांव के ऊपर किसी का आज तक ध्यान नहीं गया। ठीक है सर, लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से क्या क्या तकलीफ आई आप लोग को? कोरोना वायरस से अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि 22 तारीख को हम लोग कर्फ्यू लगा देंगे, लेकिन उससे जो 10 दिन पहले जो हमारा जहाज है 25 से 40 जो ट्रॉलर है जो पाकिस्तान बॉर्डर रत्नागिरी चिपलुंद वहाँ तक जो फिशिंग के लिए जाता है, उन्होंने अपना डीजल बर्फ और रेशन पानी जो लेके गया था फिशिंग के लिए, उनका लगभग खर्चा है 3.5 लाख रुपये एक टाइम का। जब भी वो जहाज आए तो पूरा लॉकडाउन हो गया था, जो वहाँ से जो मच्छी पकड़ के लाया वो फेंकना पड़ा, लिटरली जेटी के ऊपर आके वो लोग ने फेंक दिया क्योंकि भाव का धक्का ससुर ये टोटली बंद था, इसके लिए हमारा माल को उठाव ही नहीं हो गया, फिर वो लोग तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और उसके बाद जो हमारा यांत्रिकी छोटा जो नाव है, एक सिलेंडर दो सिलेंडर, वो लगभग 150 से 160 है, और जो बिगर यांत्रिक है वो 75 जहाज है। जो छोटा मछुआरा है वो अपना डेली फिशिंग मतलब रात को जाने का और सबे रहने का। उसके बाद वो जो छोटा मच्छी है वो यहाँ का
ट्रॉम्बे कॉलोनी वगैरह जो विधवा औरत है उनको कोई घर में है ही नहीं फिशिंग जाने के लिए, फिर वो लोग वहाँ से वो माल उठा के सुखाने के लिए डाल देंगे और शाम तक वो सूखने के बाद दूसरा लेडीज़ को देंगे, वो फिर डोर टू डोर जाके दूसरा दिन बेच के, मतलब कैसा रोकड़ा धंधा, आज ही कमाओ और शाम तक खाओ। ये धंधे वाला भी अभी बहुत कुछ सहन रहा है क्योंकि उनको देखने के लिए भी कोई नहीं। लेकिन सर एक नुकसान हुआ रहेगा जो हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जिस दिन लॉकडाउन हुआ है उससे पहले जो आप लोगों ने मछली पकड़ी होगी, जो सारी चीज़ें एक दिन की जो जमा पूंजी आप लोग की हुई होंगी, शायद वो सारी मछली का क्या हुआ, उन सारी फिशेस का आपने क्या किया फिर? तो फिर जो देखो जब भी एक 22 तारीख को कर्फ्यू लग गया उससे पहले हमारा जो जहाज गया था बार फिशिंग के लिए, उन्होंने माल पकड़ के लाने के बाद है ना, तो उसमें पहला बार क्या आइस वाला कोई नहीं था, आइस वाला भी बंद हो गया, इसके लिए मच्छी को आइसिंग नहीं मिला करके वो पूरा का पूरा मच्छी समुंदर में फेंकना पड़ा। देखिए सर ये सब सारी चीज़ें हमने इन लोगों से जाना है कि किस तरीके से जो है एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है इन लोगों को, किस तरीके से कोरोना वायरस की वजह से जो पूरा लॉकडाउन हुआ हिंदुस्तान के अंदर, उसके बाद जो है एक फिशरिंग होने के बावजूद भी, फिशेस पकड़ने के बावजूद भी सारी की सारी फिशेस को जो है समंदर में दोबारा फेंकना पड़ा, क्योंकि इनको डीजल की मसलियत थी, साथ ही साथ जो है बर्फ़ नहीं मिल रहा था। ऐसे माहौल के अंदर भी अभी हम समझ सकते हैं कि ये बस्ती किस तरीके से आ। अभी समझो 23 तारीख से पूरा लॉकडाउन हो गया 3 मई तक, हम लोग का है 9 जून फिशिंग बंद करने का डेट है, यानी कि गवर्नमेंट का जेआर है महाराष्ट्र फिशरीज का, 9 जून को फिशिंग बंद करने का। 9 जून को उससे पहले अगर लॉकडाउन भी खुलता है 9 जून से पहले तो भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएगा, और आगे का 4 महीना भी हम लोग को अंदर जाने के लिए बंद हो जाएगा, यानी कि अभी का 2 महीना और बाद का 5 महीना, यानी कि लगभग 6 से 7 महीना फिशरमैन लोगों के लिए कुछ है ही नहीं कमाने के लिए। उससे पहले क्या हुआ है कि ये साल जो है वो मछुआरे लोगों के लिए बहुत ही बुरी हालत हुई है, क्योंकि जैसा ही हमारा धंधा शुरू होता है अगस्त महीने से, तो अगस्त महीने में 3-4 बादल आ गई, उसके वजह से उसका धंधा ही नहीं हो गया, और उसके लगभग पटक से कोरोना चालू हुआ, तो बोला तो ये साल में जो पूरा साल भर का अगस्त से लेके मई महीना तक तो ये चौपट हुआ है, और अगला एक महीना जो बाकी है उसमें कुछ होने का उम्मीद नहीं होता है, और बोला तो ये पूरा साल जो है वो मछुआरों के लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट गया है, और उसके लिए मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको अभी धंधा शुरू करना है तो उनको कम से कम 5 लाख रुपये तो लगता ही है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग कोली लोगों को जिसका बड़ा बड़ा जहाज है उनको 5 लाख देना चाहिए, और छोटा मछुआरों को महीना कम से कम 8-10 हज़ार रुपये उनको मिलना चाहिए, ऐसी मैं डिमांड रखता हूँ। देख सकते हैं हमने यहाँ के चेयरमैन साहब से भी बात की और यहाँ के कमेटी मेंबर से भी बात की, इन्होंने सारे प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पर बताया कि किस तरीके से जो है लॉकडाउन के बाद इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, जो मछलियाँ इन्होंने पकड़ के लाई थी उन सारी मछलियों को भी जो है फेंकना पड़ा, और यहाँ तक के जो साहब ने बताया कि कुछ जून के महीने में जो इनको ऑफिस से फिर दोबारा बंद करने का एक ऐलान है, चालू होने तक का एक ऐलान है, तो ऐसे माहौल के अंदर हम समझ सकते हैं कि 6-7 महीने का एक पूरा लॉकडाउन जो इन्होंने देखा है उसकी वजह से पूरा साल जो है इनका ख़राब होने वाला है। हम कोशिश करेंगे लिमरा टाइम्स की जानिब से कि इनकी बातें जो है सरकार तक पहुंचाएंगे, और इनकी जो भी डिमांड्स है, जो भी ये चाहते हैं वो सारी बातें जो है सरकार तक पहुँचा कर इनको हासिल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं हूँ लिमरा टाइम्स से मोहम्मद यासिन, थैंक यू। तो मैं शेयर कीजिए और अच्छे चैनल।